सोनभद्र में पहली बार अवैध खनिज परिवहन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने अवैध खनिज परिवहन में वांछित 6 माह से फरार चल रहे एक खनन माफिया को रेलवे कॉलोनी के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति खनन माफिया बताया जा रहा है, जो अवैध रूप से खनन की गाड़ियों को पास करवाने का कार्य करता था, जिसके ऊपर सोनभद्र पुलिस की तरफ से 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। 6 माह से फरार चल रहे 10,000 का इनामिया खनन माफिया दीपक कुमार पुत्र राम वृक्ष सिंह यादव निवासी जंगीगंज गाजीपुर को गिरफ्तार करने के बाद राबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी सीपी पांडे ने बताया कि एक खनन माफिया को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध रूप से खनिज परिवहन की ट्रकों को पास करवाने का काम करता था। उसके ऊपर 6 माह पूर्व राबर्ट्सगंज कोतवाली में व खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज राबर्ट्सगंज रेलवे कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले से ही 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। 10,000 का इनामी पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? ये खनिज माफिया है लोग, और बिना परमिट के चोरी से गाड़ियाँ निकलवाते हैं और पास कराते हैं लोग। इनके खिलाफ जो है थाने पर मुकदमा पड़ा, संख्या 204/18, 417/67, 471/120 और खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है। 6 महीने से लगातार फरार चल रहे थे, कई बार पुलिस गाजीपुर मिल गई तरीके देने के लिए, ये नहीं मिले थे। आज इनके ऊपर पूर्व से ही इनाम घोषित था 10,000 का, रात में ये स्टेशन के पास मिल गए हैं। मेरे घर की क्या नाम है इनका? दीपक कुमार यादव, सनाप राम वृक्ष यादव सिंह यादव, ये जंगीगंज गाजीपुर के रहने वाले।